दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कई बार एक ही जगह पर बैठे बैठे या फिर पैर मोड़कर बैठने पर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर में बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है, बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, नंबनेस फील होने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि छोटी छोटी चींटियाँ आपके हाथों पैरों पर रेंग रही हो। दोस्तों, आमतौर पर यह सभी के साथ होता है, लेकिन हम सभी इस प्रॉब्लम को बहुत ही नॉर्मल समझते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जो प्रॉब्लम है, अगर बहुत दिनों से हो रही है, लगातार 2-3 महीनों तक ऐसी समस्या हो रही है, तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। यह एक बड़े खतरे का संकेत है, तो इससे सावधान हो जाइए। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आपके हाथों पैरों में सुन्नपन रहता है, नंबनेस की प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। चलिए अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आप अगर लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे हो, अगर आपके हाथ या पैर का कोई भी पार्ट दब रहा हो, तो उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उस जगह पर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रही, और यह किसी भी अंग में नस दबने से होता है। जैसे कि हाथ या पैर सुन्न हो सकते हैं और आपके पैरों में झंझनाहट भी महसूस हो सकती है। थोड़ी देर के बाद जब आप अपने पैर को हिलाते हैं या फिर मालिश करते हैं, तो इस तरह से आप सुन्नपन को ख़त्म कर सकते हैं। यह तो थी नॉर्मल सी बात जो कि बहुत से लोगों को होती है, लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बार बार होती है और हमेशा होती रहती है, काफ़ी समय से इस प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। यह कई बीमारियों का संकेत है। इसमें सबसे पहली बीमारी आती है डायबिटीज़। अगर आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, तो 30% मामलों में डायबिटीज़ इसकी मुख्य वजह हो सकती है। इसकी वजह से हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, तो आप सबसे पहले अपना शुगर जांच करवा लें। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपके शरीर के 2 अंग एक साथ सुन्न हो सकते हैं, यानी कि आपके दोनों हाथ या दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं। यह दोस्तों शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी से होता है, जिसमें विटामिन है विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। इनकी शरीर में कमी होने से हाथ व पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसे में थकावट और आलस का भी एहसास होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड भी एक ऐसी वजह है जिसके कारण आपके हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, और थायराइड अनियंत्रित होने पर शरीर में काफ़ी थकान महसूस होने लगती है, वजन घटने या फिर बढ़ने लगता है, बाल भी झड़ने लग जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आगे चलकर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, आपके शरीर के खास हिस्से में बार बार सुन्न होने की समस्या कभी भी होती है, तो ऐसे में आप मालिश की मदद ले सकते हैं। नियमित रूप से मालिश करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, जिससे हाथ पैर बार बार सुन्न नहीं होते। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको मालिश से फायदा होगा। पहले के लोग शरीर पर मालिश किया करते थे, लेकिन आजकल हम लोग शरीर पर ध्यान कहाँ देते हैं, बस शरीर से काम लेना चाहते हैं, और शरीर जो है वह धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो हाथ पैरों की मालिश और पूरे शरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए। मालिश के लिए आप सरसों का तेल इस्तेमाल में ला सकते हैं, तिल का तेल इस्तेमाल में ले सकते हैं, या फिर आप जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल को भी इस्तेमाल में ले सकते हो। तेल को थोड़ा सा गर्म करो और शरीर के किसी भी हिस्से में उस तेल से मालिश करें। दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरे उपाय में क्या करना है, एक टब में हल्का गुनगुना पानी डाल देना है। पानी उतना ही होना चाहिए जितना आप सहन कर सकें, और उसमें डाल देना है 2 चम्मच सेंधा नमक। जब नमक पानी में घुल जाए, पैरों में डुबो कर रखिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। सुन्न वाले पैरों को इसमें डालोगे तो आपको तुरंत फायदा दिखेगा। इसके अलावा रात को सोने से पहले सौंठ और हल्दी का सेवन करें। सौंठ और हल्दी, इन दोनों से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, नसों को मजबूती मिलती है और शरीर शुद्ध होता है, यानी कि हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। इसके लिए क्या करना है,
एक गिलास में दूध, एक चौथाई चम्मच सौंठ पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी भी घर का पिसा होना चाहिए और सौंठ भी। ध्यान रखिएगा, बाजार से हल्दी लाकर उपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई फायदे नहीं मिलेंगे। अब इन दोनों चीजों को दूध में मिलाकर गर्म कर लेना है और रात को सोने से पहले ही पीना है। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी डेली डाइट में ऐसी चीजों को फॉलो करें जिससे आपके शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करें। ऐसी कौन सी डाइट है जो विटामिन B12, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन की कमी को पूरा करता है? सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वह है केला। दोस्तों, केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम काफी मात्रा में पाया जाता है, तो पूरे दिन में 2 केले जरूर खाएं। पालक डाइट में शामिल कीजिए, तिल के बीजों को डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा नाशपाती खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं और खुमानी खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 के लिए हमें क्या करना होता है। जो भी चीजें मिट्टी में पैदा होती हैं उसमें विटामिन B12 होता है, इसलिए डाइट में आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, चकुंदर शामिल कीजिए। हालांकि इनमें विटामिन B12 की मात्रा कम होती है, खासकर विटामिन B12 डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेजिटेरियन खानों में, यानी कि अंडे और मछली में विटामिन B12 ज्यादा पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध या दूध से बनी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो प्योर वेज हैं, लेकिन वे दूध से नफरत करते हैं, उन्हें दूध अच्छा नहीं लगता या फिर डेयरी प्रोडक्ट डाइट में शामिल नहीं कर पाते। इस वजह से शरीर में B12 की कमी हो जाती है। तो रोजाना 1 गिलास दूध तो हर किसी को पीना चाहिए, या फिर आप डॉक्टर से बात करके विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां डाइट में जरूर शामिल कीजिए। मैं आपको एक अच्छा सा रेसिपी बताता हूँ जिसको आपने रोजाना डाइट में शामिल करना है, जिसके सेवन से आप और आपका परिवार हेल्दी रहेगा और आपको उससे विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाएंगे। आप घर पर रोजाना रोटियां बनाते ही होंगे, तो आपको रोटी बनाते समय कुछ चीजों को आटे में डाल देना है और उसकी बनी रोटी खानी है। इसमें क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। आप लगभग 2 कटोरी आटा लें और 2 कटोरी आटे में हमें कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीजें मिलानी है ध्यान दीजिएगा। 2 चम्मच तिल, 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच अलसी मिलानी है। अब इन सभी चीजों को हमाम दस्ते में कूट लेना है और जब भी आप आटा गूंथो तो इन चीजों को मिलाना है और इससे बनी रोटियां आपको भी खानी है और आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। इससे आप और आपका परिवार हमेशा हेल्दी रहेंगे, शरीर में जो न्यूट्रिशंस की कमी है वह भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से बनी रोटियों को कोई भी खा सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। तो अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।